विकास नगर तहसील क्षेत्र में हसनपुर में आवंटित खनन पट्टों की वजह से खाई का रूप ले रहे नदी नाले खाले। बात की जाए खनन की तो उत्तराखंड के अंदर सभी जगहों पर मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, मगर संबंधित विभाग और जिम्मेदार प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करके राज्य सरकार को हर दिन करोड़ों का चूना लगा रहा है। आने वाले समय में मानसून यदि विकराल रूप लेता है तो होगी तबाही। मामला हसनपुर के खालों का है, जहां पर भारी भरकम मशीनों के द्वारा खनन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रिपोर्टर के द्वारा जब खनन अधिकारी से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया इन आवंटित पट्टों पर ना तो कोई ओवरलोड लागू होता है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा और ना ही पट्टों पर कोई नाप तोल करने का कांटा। फिर जब सहयोगी रिपोर्टर ने खनन अधिकारी से जांच के लिए कहा, तो अधिकारी ने बात को घुमाते हुए बताया कि हमारे द्वारा एक टीम जांच के लिए भेजी जाएगी, लेकिन वो टीम कब तक आएगी या कुछ कह पाना मुश्किल है। अब आप ही देख लीजिए खनन अधिकारी किस तरह से टीम के साथ व्यस्त है कि एक और जहां खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खनन अधिकारी अपनी एसी की हवा को छोड़कर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। देखिए ना जनाब, आखिर जब मानसून के समय किसानों की भूमि का जो कटान होगा उसका जिम्मेदार तहसील प्रशासन होगा या जिला प्रशासन, सवाल एक तरफ राज्य सरकार द्वारा किसान की भूमि के कटान को बचाने के लिए रेवर ट्रेनिंग ट्रेजिंग के पट्टे आवंटित किए गए, जिससे मानसून के समय किसानों की भूमि का कटान न हो सके, लेकिन जिस तरह से खनन माफिया खनन कर रहे किसान की भूमि पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी हाल ही में कुछ रिवर ट्रेनिंग खनन पट्टों को आवंटित किया गया है, जिसमें 5 फीट तक का चुगान अनिवार्य है। बावजूद इसके पट्टा स्वामी धड़ल्ले से खनन के कार्य को अंजाम दे रहा है और चुगान लगभग 10 से 12 फीट हो रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस खनन कारोबारी पर किसी बड़े रसूखदार का हाथ है, जिस कारण पट्टे स्वामी को उत्तराखंड राज्य के प्रशासन का कोई डर और खौफ नहीं है। बात की जाए यदि खनन अधिकारी की तो इस वक्त वे गर्मी की वजह से अपनी ऑफिस में एसी की हवा में मजे लूट रहे हैं। चंद चांदी के खनखनाते सिक्कों में विभागीय अधिकारी और प्रशासन में कुछ लोग अपने ईमान को बेच दे रहे हैं। विकास नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, DCP न्यूज उत्तराखंड।